सो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको टेक ट्यूटोरियल वीडियोस और टेक न्यूज़ देखने को मिलती रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने गूगल एडवर्ड अकाउंट से अपना रिफंड वापस कैसे लें। तो वीडियो काफ़ी छोटा सा और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले चलेंगे हम अपने प्यारे न्यारे राज दुलारे क्रोम ब्राउज़र पर। तो क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यहाँ पर सीधा सीधा टाइप करना है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना और पहले रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट पर साइन इन कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टूल्स एंड सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटअप के अंदर प्रेफरेंसेस। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट स्टेटस। तो यहाँ पर अकाउंट जो है वो एक्टिव है, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कैंसिल माई अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि आपका अकाउंट कैंसिल होने के बाद बंद नहीं होने वाला है। काफ़ी लोगों के माइंड में ये एक कंफ्यूजन रहती है कि कैंसिल अकाउंट को कैंसिल करने से आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपने गूगल अकाउंट का रिफंड चाहिए तो आपको इसे कैंसिल करना होगा। तो आप इसे वापस एक्टिवेट भी कर सकते हैं जब आपका रिफंड आपको मिल जाए। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको यहाँ कैंसिल करके दिखाता हूँ। आपको डायरेक्टली कैंसिल माई अकाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद वापस कैंसिल अकाउंट पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप रीएक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज़ कैंसल्ड। तो इसके बाद यहाँ पर आपको वापस टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ बिलिंग के ऑप्शन में आपको समरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आप देख सकते हैं 414 रुपये थे और यहाँ पर अपने आप लिखा आ चुका है यू विल बी रिफंडेड। जो ये मेरा अकाउंट का टोटल अमाउंट था, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो आपका ये अमाउंट उस जगह पर रिफंड होगा जहाँ से आपने इस अमाउंट को ऐड किया था अपने इस गूगल एडवर्ड के अकाउंट में। तो ये प्रोसेस होने में आपको करीब 1 वीक लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है कि 30 नवंबर को मेरे अकाउंट का जो रिफंड है वो हो जाएगा मेरे वीज़ा कार्ड में। और अगर आपको वापस से अपना अकाउंट जो है उसे एक्टिवेट करना है, जैसे कि 30 नवंबर के बाद मेरे को अपना रिफंड मिल जाएगा और मैं वापस अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मेरे को वापस टूल्स एंड सेटिंग्स पर जाने के बाद प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ अकाउंट कैंसल्ड है और इसके बाद मेरे को रीएक्टिवेट माई अकाउंट करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑलरेडी रीएक्टिवेट कर दिया अपने अकाउंट को। तो जो मेरा रिफंड था वो अब नहीं आने वाला है। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, यू एडेड 500 रुपीज़ टू योर अकाउंट ऑन 4 जुलाई। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो वापस आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने अपना अकाउंट पहले ही रीएक्टिवेट कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के और भी टेक ट्यूटोरियल वीडियो और टेक न्यूज़ देखने को मिलती रहे।